बनाने लगे हैं तो सब लोग बोलते हैं हमारी इज्जत जाती है वीडियो बनाती हो तो। क्या नाम है आपका? आरती निषाद। अच्छा, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं आपको? हमारे घर वाले हमको सपोर्ट देते हैं। आपके पति का क्या नाम है? हमारे पति का नाम है सुरेश निषाद। अच्छा, तो आपके पति आपका सपोर्ट करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, हमारा सपोर्ट बहुत करते हैं, क्योंकि हमारे हस्बैंड जी के मम्मी और पापा और हमारे हस्बैंड जी, ये तीनों लोग हमको बहुत सपोर्ट देते हैं, और इन लोगों के आशीर्वाद से आज हम यूट्यूब फैमिली में जुड़ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे अच्छे व्यवहारिक मिलते हैं और अच्छा अच्छा समाज देखने को मिलता है, अच्छा अच्छा परिवार देखने को मिलता है हमारे पति के मतलब देन से। हाँ अच्छा, ये लोग आपका सम्मान करते हैं और कहते भी हैं कि आप वीडियो बनाओ? जी हाँ, हमारे पापा भी बोलते हैं कुछ भी हो जाए पर वीडियो बनाते रहना, और हमारे गांव वाले सब लोग बोलते हैं कि ये करती है वो करती है बदनामी होती है, पर हमारे ससुर जी बोलते हैं हमको कोई डर नहीं है, हमारी बहू जो बनाती है उससे हमको अच्छा लगता है, बनाने दीजिए, फिलहाल हम जो भी वीडियो बनाते हैं असली वीडियो नहीं बनाते हैं, और अपने घर परिवार में वीडियो बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं। अच्छा, आपका चैनल कौन सा है? आरती भोजपुरिया ब्लॉग के नाम से हमारा चैनल है भैया। तो आप लोग कॉमेडी वमेडी भी करते हैं अपने चैनल पे? जी हाँ, हमारी कॉमेडी ज़्यादातर करके रहती है और सॉन्ग भी हो जाता है, और हमारे साथ हमारी छोटी बेटी अमृता निषाद भी रहती है जो कि सपोर्ट करती है, और संता विधायक 11 मतलब हमारे देवर जी हैं उनका चैनल का नाम है, तो ज़्यादातर करके वो लोग भी हमको सपोर्ट देते हैं और देते रहेंगे, क्योंकि वो लोग हमारे देवर जी हैं, इस वजह से हमको सपोर्ट मिलता रहता है। और अच्छा, आपके देवर भी आपके साथ मिलकर, हमने देखा है वीडियो बनाते हैं? हाँ, वही लोग बनाते हैं, इंद्रभान सने ही जो अच्छे गायकार हैं वो भी हमारा साथ देते हैं। हाँ, सभी लोग गाली भी देते हैं पर वो समझाते हैं कि किसी का मत सुनिए, आप जो करती हैं उसको करते रहिए, तो हम इसी वजह से हम अपना मैका छोड़ चुके हैं वीडियो बनाने की वजह से, कि हम अपने मम्मी पापा से भी नहीं बात करते हैं और नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमारा भाई हमको बड़ा वाला भाई जो है हमको नहीं सपोर्ट दिया था, और हमारी बहुत बड़ी बहन है सरिता नाम है उसका, जो कि हमको बहुत गाली गुआ देती है, बोलती हमारी बहुत बदनामी होगी, तो दीदी हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा ना बोलिए, और हम अपने परिवार में हैं खुशी और अच्छे से हैं, आप जहाँ भी हों अच्छे से रहिए, पर आप हमारी इज्जत को मट्टी मत मिलाइए। क्यों दीदी, क्या कह देती हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ गया? क्योंकि भैया वो लोग बड़े हैं और हम छोटे हैं, गरीब हैं, इस वजह से हम वीडियो बनाने लगे हैं, तो सब लोग बोलते हैं हमारी इज्जत जाती है वीडियो बनाती हो तो, इसी वजह से हम अपना मैका भी छोड़ दिए हैं। अब मैके नहीं जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते, हमारे मम्मी का पैर टूट गया है फिर भी हम नहीं जाते, हम सुन सुन के रो लेते हैं पर नहीं जाते हैं। यानी माँ बाप को आपने छोड़ दिया है? आप छोड़ नहीं दिए हैं, पर कुछ भी होगा तो जाना पड़ेगा, लेकिन इस वजह से छोड़े हुए हैं कि अब हम आगे निकल जाएंगे तो क्या पता वो लोग हमको पूछेंगे कि हमारी भी तो एक बेटी है जो कि अपना नाम रोशन कर दी है और वीडियो बनाती है, हम किसी के मतलब टुकड़ा पर नहीं पलना चाहते थे, खुद का अपना मेहनत करके सोचते थे कि दो पैसा कमाएंगे तो हम खुद अपने बच्चों को अपने भविष्य को आगे बढ़ाएंगे, इस वजह से हम अपना भविष्य खुद बनाना चाहते थे, पर हमारी बड़ी वाली भाभी है जो घमंडी है, वो बोली है कि हमारे बच्चे की शादी में उसको नहीं आना है, इस वजह से हम नहीं जाते हैं, और हमारी बहन बड़ी वाली बोली गीता निषाद है तो वो बोली अगर वो आएगी, और सरिता निषाद है वो बोली अगर वो आएगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे और हम लोग शादी में नहीं रहेंगे, तो हम बोले कि हम नहीं आएंगे शादी में। कब आप अपने जो है कि मायके जाना चाहते हैं? अभी हम नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, कब जाएंगे? फिलहाल अगर मम्मी की ज़्यादा तबीयत खराब होगी तब हम कोशिश करेंगे, पर जाने को मन अभी नहीं है, कोशिश करेंगे, और छोटी वाली भाभी हमको बहुत सपोर्ट करती है,
जो कि हमारा छोटा भाई भी हमको बहुत सपोर्ट करता है, पैसा कौड़ी में हर सामान में हमको देता रहता है, कुछ भी घटता है तो ज़रूर सपोर्ट करता है, हमको भी देता है, हमारे हस्बैंड जी को भी दे देता है। और मतलब हमारा छोटा वाला भाई, भगवान उसकी रक्षा करे, जहाँ भी हो कुशल मंगल से रहे, वो हमको बहुत सपोर्ट करता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि आखिरकार किस तरह से एक महिला अपने दुखड़ा को कहकर रो दी, और आप लोगों का क्या कहना है बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।